हम यहाँ की कुछ खास बातें आपको बताते हैं इस मंदिर की, और आपको बहुत फिर से आपको ये पूरा स्पीच देंगे हमारे छोटू भैया, आपको इनसे मिलाते हैं, आप फिर आगे ये देखो। नमस्कार, आइए हम आपको ले सकते हैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर। आइए हम आपको एक प्राचीन युग के मंदिर से दर्शन करवाते हैं, इसे गर्भगृह में सीधे ले चलते हैं, बाबा जगन्नाथ बाबा के दरबार। जय हो, जय हो, जय जगन्नाथ बाबा के। आइए हम आपको दिखाते बाबा के इस दरबार में। जय भोले, जय बाबा जगन्नाथ बाबा के। ये देखिए, मैं आपको लेकर आया हूँ प्राचीन युग के मंदिर में, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में। अभी हमने आप गर्भगृह के दर्शन करवाई है, हमारी माता जी जो मंदिर परिसर में देख रेख करती हैं और मंदिर परिसर का ये विशेष ख्याल भी रखती हैं। आइए हम आपसे यहाँ से कुछ जुड़ी मान्यताएं और माता जी से कुछ ना कुछ रूबरू करवाते हैं। हम आइए थोड़ा सा दूर हो जाए। अच्छा अम्मा, ये बताइए, जैसे ये मंदिर है, बताते हैं मानसून जब आता है तो इसमें पानी पहले से हाँ 15 दिन पहले आ जाता है पानी, तो जैसे मानसून अगर किसी साल कम है तो उस साल क्या होता है? उस साल नहीं कम टपकता है पानी, एक आधी बूंद आता है। जैसे किसी साल मानसून ज्यादा है तो खूब टपकता है। इस साल कैसा रहा? इस साल तो मतलब ज्यादा नहीं है, सही है। अच्छा, मैं इस मंदिर की विशेषताएं मान्यताएं क्या है अब पुजारी जी आपको बताएंगे। भेजिए तो अम्मा यहाँ से जा रही हैं, माता जी यहाँ से जा रही हैं, अब पुजारी जी बस कुछ ही मिनटों में आएंगे। जी आप देख पा रहे होंगे तकरीबन 500 साल पुराना मंदिर है ये 1400-1600 करीब समथिंग ईस्वी में बना हुआ था, और यहाँ मान्यता है यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ जी यानी कि भगवान विष्णु हमारे यहाँ पर विराजमान है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है ये कि यहाँ मानसून पहले ही दस्तक देता है। यहाँ पर अभी हमने आपको मंदिर का गर्भगृह दिखाया, जैसे ये देखिए मंदिर की शिखर है, देखिए छोटी ये रही छोटी, तो इस छोटी में मंदिर के गर्भगृह में अंदर में आता है। सही बात है, यहाँ जब मानसून आता है जब पानी बरसने वाला होगा तो यहाँ ऑटोमेटिक पानी हम पानी छुए रहे हैं, पंडित जी आ गए क्या अम्मा? और ये